अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज काफ़ी दिनों बाद व्लॉग आ रहा है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए आपका भाई तैयार हो गया। तो मैं बताता हूँ इसके रीज़न ये थी कि आपका भाई बीमार था और अब रेगुलर व्लॉगिंग करेगा आपका भाई। और अभी हम चलते हैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, तो आपका भाई बस रेडी शेडी है, वॉच लगाते हैं और निकलते हैं। तो आ गया आपका भाई कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया ही होगा। तो ओहो, ये तो कौन सेट से, एक सेकंड, लिखा तो कहीं नहीं होगा। चलें, ये कौन सेट से है, और आपके भाई ने पहले चलान निकलवाया और चलान पे कर रहे हैं हम। इसका क्या मतलब हुआ दया? इसका यही मतलब हुआ कि अब हमारा इधर एडमिशन हो चुका है, हमारा इधर एडमिशन हो चुका है। अब हम आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स बना के दिया करेंगे कौन सेट यूनिवर्सिटी के अंदर से, एंड हमने क्या पढ़ा है और क्लासेस कैसी हैं और ये वाट एवर, और इनका मतलब सिस्टम कैसे काम करता है, इधर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए ना। तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं 2 सितंबर से, एंड अब डेट है 23rd है आज। मतलब कि आपका भाई 20 दिनों बाद अब क्लास में जाएगा, एंड देखते हैं अब सरों को। मैं सोच रहा हूँ किस सर को कौन सी कहानी डालनी है। आज तो कोई लेक्चर नहीं है हमारा, तो कल है लेक्चर, कल आएंगे, एंड कल का व्लॉग होने वाला है मज़ेदार। कल देखो, बस देखें कैफ़े अच्छा है इनका, बस कैफ़े ही अच्छा है इनका। और वो सामने ठंडी गली है, उसका शायद पता हो आपको, कॉम्सेट्स वालों को तो पता ही होता है। बाकी अभी मैं बैच एडवाइज़र के पास जा रहा हूँ, उसकी सुबह कॉल आई थी, कहना तो एडमिशन लेना कि नहीं। तो ये है ए ब्लॉक, इसमें एक शावर लगा है जो कभी कभी चलता है, आपको मैं हर व्लॉग में दिखाया करूँगा। आज तो नहीं चल रहा, जिस दिन चल रहा होगा आपको पता चल जाएगा ये किस दिन चलता है। तो पहले बैच एडवाइज़र के पास चले जाएं, अपना एडमिशन करवा लें। मतलब फंसा हुआ था भाई, आज एडमिशन कैंसिल हो जाना था, तो एक दफ़ा अपना एडमिशन हो जाए एंड उसके बाद मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा क्लास में। तो अभी आप लोग पूछ रहे होगे जैन भाई क्या बात कर रहे हो यार, अभी आप कह रहे थे कोई लेक्चर नहीं, अभी आप कह रहे थे क्लास में चलेंगे। तो देखूंगा अगर किसी दोस्त की क्लास हो रही हुई तो हम उसमें चलेंगे, एंड उसमें चल के हम लोग चलेंगे। बाकी ये है डब्ल्यू ब्लॉक हमारा, और ये सी ब्लॉक जी। तो बैच एडवाइज़र सर से हम मिल चुके हैं, सर ने ये हमें ये लेटर सा दिया है यार, ये फॉर्म सा ही, इसमें हमने अपने कोर्सेज लिखे हैं, वो कोर्सेज लिखे हैं जो हमें पता ही नहीं है। अभी हमारा पहला दिन है, एंड देखेंगे भाई क्या सीन होता है। मतलब इनकी मैनेजमेंट अच्छी है सहीवाल यूनिवर्सिटी से और एरट से, एंड अच्छी है। आज वो कह रहे थे डेडलाइन थी, अगर आप एक दिन गुजार देते ना तो आप कभी कॉम्सेट्स में का मुँह नहीं देख सकते थे, मतलब निकाले जाने थे और मेरे 2 सेमेस्टर ज़ाया हो जाने थे। किसी तरह आज का दिन गुजर जाता ना। अब्बा जो ने मेरे भाई को मेरे साथ भेजा, वो बाहर खड़ा है, एंड उसी ने फ़ी पे किया, मैं भाई फीस ले कर घूमता रहा हूँ। मेरा इरादा था कि मैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में जाऊँ, अगर आज का दिन गुजर जाता तो मुझे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में कोई जाने से रोक नहीं सकता था, और हमने डी फार्मेसी करनी थी। चलें अब ये पंगा पड़ गया है, अब इधर चलते हैं, फी पे हो गई है, अब हमारा यही फ्यूचर है, अब आपको इधर सही व्लॉग्स आया करेंगे सेट है। चलिए तो फिर कॉम्सेट से आज चलते हैं, यहीं तक था आज का कॉम्सेट्स का सफ़र, कल आएँगे और अपनी क्लासेस लेंगे, एंड कल का आपको व्लॉग देखने को मिलेगा, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो ये हॉस्टल है, ये भी हॉस्टल है, वो कैफ़े है ये वाला, इधर से चिप्स बड़ी मज़ेदार मिलती है। अब चलते हैं कुछ खाते पीते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये आ जी अपना यूनिवर्सिटी रोड, उधर कुछ लड़के आ रहे हैं भाई, मेरे पहले सेमेस्टर के होंगे, अभी उन्हें क्या पता है। बाकी ये बेहतर है, अगर पेट्रोल पवा लिया, ज़रा उन लंबा सफ़र तय करना, पहाड़ पे जाना है। तो ये है जी PSO पेट्रोल पंप, क्या बात है, पाकिस्तान में टंगया हुआ है, ठीक सातना ही टंग देते। तो यार ये कलर कैसा लग रहा है वो, मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये कलर, डार्क में है ना। मैं कहा चलो यार कोई एक अद्धा सूट ले लूँगा और दिखाएं भाई। तो यार ज़्यादा देर नहीं लगाते, ये वाला ये नहीं, नहीं इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है ये वाला, और ये वाला, ये दोनों हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए हैं, और बस चलते हैं, ज़्यादा सूट खुलवाने की आदत ही नहीं है। ओके,
तो यार सूट सिलने के लिए दे दिए हम लोगों ने। मैंने कहा लग जा तो सीन में दे दिए, फिर आपको एक दो दिनों में मिल जाए हमें। तो यार पेंड आ गए हूँ, आप जरा इतने दो टिकटॉक बनाइए, ठीक है ना, मौसम चेक करो। ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर भी अंदर करिए। तो यार अब इधर आए हैं, सोच रहे हैं एक वीडियो बना लें। हेलो फ्रेम साफ कर। अच्छा तो उस वीडियो में चाहिए था एक ट्रैक्टर होना चाहिए, वो बनाते हैं अभी। इधर तो डेरे पे आ गए हैं, अब सोच रहे हैं इधर आज कोई टिकटॉक बना लें। तो ये वीडियो देखिए, कुल्हाड़ी उठाते हैं लाते हैं, आगे भी कर लो साथ, रोज मारता है सेट है। लकड़ियाँ वो पड़ी हुई हैं, वो आपको दिखा देते हैं। तो अब हम चलते हैं कहीं से कुल्हाड़ी की देखते हैं और चलने शुरू करते हैं, वीडियो बनाते हैं। ट्रैक्टर भी इधर खड़ा है, एक ट्रैक्टर ये खड़ा है, एक गैराज में खड़ा करके अभी आए हैं, और एक इधर खड़ा है टैब लोगों के घर। तो यार वीडियो लिए कुल्हाड़ी चाहिए थी, वापस ले आती है, हम चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर वीडियो बनाने की। आपको मैंने बताया, आपको भाई मजे मजे के लोग ऑन द वे हैं, ठीक है ना।